हेलो एवरीवन, मैं हूं साबिर शफी। आज एक्सेल पे मैं आपको एक खास ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर अपने नंबर्स को टेक्स्ट के साथ जो हमारा लिखा हुआ होता है हम किस तरीके से उनका टोटल निकाल सकते हैं, तो वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सम नंबर्स कंटेनिंग टेक्स्ट लाइक 10 ग्राम, 20 ग्राम। तो ग्राम की जगह आप किलोग्राम, मिलीलीटर, लीटर, कोई भी आप यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट्स आइटम्स जो भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं इनको मैंने ग्राम के अंदर मेंशन किया हुआ है, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 30 ग्राम, 80 ग्राम, और यहाँ पर इन सब प्रोडक्ट का मेरे पास टोटल मौजूद है। तो याद रखें दोस्तों, पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज डिस्क्राइब कर देता हूँ कि अगर मेरे पास एक्सेल के अंदर नंबर्स लिखे हुए, कोई भी नंबर लिखे हुए, और एक्सेल में मेरे पास कोई भी अल्फाबेटिकली नेम या कोई प्रोडक्ट कुछ भी लिखा हो, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास कोई नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जब भी एक्सेल के सेल बॉक्स पर कुछ भी लिखते हैं और जो वैल्यू हमारी राइट साइड पे आती है तो एक्सेल उसे नंबर कंसिडर करता है, और जो वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड पे आती है एक्सेल उसे टेक्स्ट कंसिडर करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास ग्राम में जो हमें लिखा हुआ है 10 ग्राम, 50 ग्राम है, तो हमारे पास नंबर और अल्फाबेट टेक्स दोनों है, लेकिन ये आपके पास कहाँ मेंशन हो रहा है, लेफ्ट साइड पे। तो इसका मतलब एक्सेल ने इन तमाम वैल्यूज को टेक्स कंसिडर किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको किस तरीके से मैं सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट आपने लिखना है, आपने सब्स्टिट्यूट आपने लिखना है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, आपने टैब प्रेस करना है, तो देखिए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला राइट डाउन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहे टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट कौन सेलेक्ट करना है जो आपके पास यहाँ वैल्यू दी गई है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद आपसे बोल रहे ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं आपने उसको यहाँ पर कॉल करना है। किस तरीके से, आपने डबल कोटेशन बनानी है और यहाँ पर आपने मैंशन कर देना ग्राम, क्योंकि इस टेक्स्ट के साथ आपका ग्राम है पुराना टेक्स्ट, आपने कोटेशन क्लोज कर देनी है और कॉमा लगा देना है। उसके बाद बोल रहा है कि आप इसकी जगह न्यू टेक्स्ट, यानी कि आप इसकी जगह क्या लेके आना चाह रहे हो, तो हमने कुछ भी लेके नहीं आना, तो हम कोटेशन बनाएंगे, ओपन करेंगे और इसी कोटेशन को क्लोज कर देंगे और अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी कि हम चाह रहे हैं कि ये ग्राम इस टेक्स्ट से यानी कि इस नंबर से रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह कुछ भी ना आए, तो हम एंटर करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आपके पास जो 10 नंबर आ रहा है आपके पास उसके साथ जो ग्राम लिखा होता है वो रिप्लेस हो चुका है। लेकिन देखिए, अभी ग्राम रिप्लेस हो चुका है लेकिन अभी भी एक्सेल ने इसे टेक्स्ट कंसिडर किया है क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे, तो इसको अगर हम राइट साइड पे लेके आना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम एडिट करेंगे दोबारा से, डबल क्लिक कर लें या F2 की की प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका फॉर्मूला एडिट हो जाता है। आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूले के अंदर सबसे लास्ट पे आना है, इसके अंदर आपने एक चीज एडिशन करनी है कि आप अपने इस टेक्स्ट के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर ले, यानी कि मैं यहाँ पर कोई भी नंबर यूज करने के, मैं इसमें प्लस करवा देता हूँ 0, यानी कि कोई भी वैल्यू के अंदर अगर आप 0 प्लस करवाएंगे तो वैल्यू वही रहती है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करता हूँ। अब आप एंटर करेंगे तो अब देखें, अब आपके पास 10 आंसर आ रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, ये आपका जो नंबर है 10, अब एक्सेल ने इसे राइट साइड पे पेश किया, तो इसका मतलब अब इसको कंसिडर कर लिया है एक्सेल ने नंबर। अब आप इसको ड्रैग कर लें तो देखें ये आपके पास अब सारे नंबर्स आपके पास शो कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेल ने अभी से नंबर कंसिडर किए। अब आप इनका टोटल निकाल सकते हैं सिंपल इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा के, आप यहाँ टोटल निकाल लेते हैं इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और एंटर करेंगे आप, तो देखिए आपके पास सेम आंसर आ रहा है 185। तो देखिए, ये तो हमने डिटेल में हमने सॉल्व किया है किस तरीके से हम नंबर को कंसिडर करवा कर, यानी कि जो हमारे पास एक्सेल कंसिडर कर रहा है टेक्स्ट में, हमने इसको नंबर में कंसिडर किया है फॉर्मूले की मदद से, फिर इसका हमने टोटल निकाला। अगर आप हम इसे डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस सेल पे मैं आपको डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगेन इक्वल टू सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट कौन सा, आपका ये पूरा टेक्स्ट है, आपने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है क्योंकि आप इन सबके साथ काम करना चाह रहे हैं।
आप इन सबको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और कॉमा लगाएंगे आप। इसके बाद आपसे कहेगा ओल्ड टेक्स्ट, आप किस चीज को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वही आपके पास था, कोटेशन के साथ आपने अंदर ग्राम लिखा जीएम और कोटेशन क्लोज कर दी। कॉमा लगाएंगे, न्यू टेक्स्ट, आप इसकी जगह क्या लेके आना चाह रहे हैं, कोटेशन बनाएंगे, आपने इसकी जगह कुछ में ही रखना, आपने कोटेशन क्लोज कर देनी है और ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब अगर आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखें अभी आपके पास आंसर में नो वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने डबल क्लिक करना है क्योंकि आपको यहाँ पर टोटल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आपने यहाँ लिखना है सम, ब्रैकेट ऑन करना है, और लास्ट में आप आएंगे आपका अर्थमेटिक का वही वाला ऑपरेशन आप यूज करेंगे, प्लस करवा देंगे आप जीरो को और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जो ब्रैकेट क्लोज होगा वो सम का होगा, यानी कि आप इस मैथमेटिकली, यानी कि जो आपके पास टेक्स्ट कंसिडर था इसको आपने नंबर्स में भी कन्वर्ट कर दिया और डायरेक्टली आपने कॉल करवा दिया कि मुझे इसका टोटल भी चाहिए। अब आप यहाँ एंटर नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आपने कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करके एंटर करेंगे तो देखें अब आपके पास यहाँ डायरेक्टली आंसर आ रहा है, इन तमाम नंबर्स का जो भी आपने यहाँ पर इनको ऐड किया उनका टोटल आपको मिल रहा है 185। तो देखें किस तरीके से हमने अपने टेक्स्ट में से नंबर्स को पहले सेपरेट किया और इन तमाम नंबर्स का जो हमने टोटल निकाला है वो यहाँ किस फॉर्मूले, इतना इजी फॉर्मूले की मदद से हमने निकाल लिया। इसके बाद यहाँ हमारे पास एक प्रोडक्ट लिस्ट है, तो प्रोडक्ट लिस्ट और जो भी आपकी लिस्ट बनाई हो, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको ये काम करना होगा कि आपने अपनी लिस्ट को पहले से ही बना के रखना है, बनाने से यानी कि ताकि आप जब भी इसमें कोई भी कैलकुलेशन करें तो आपके लिए इजी हो जाए। यानी कि देखें जैसे लेट सपोज आपके पास एक क्वांटिटी का एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि 5 क्वांटिटी फुटबॉल, 8 क्वांटिटी पेन, 6 क्वांटिटी, यानी कि आप अगर टेक्स्ट में कुछ भी लिखना चाहें, यानी मैं अगर लिखूँ यहाँ पर 10 और एंटर कर दूँ तो देखिए क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी लिख लें, केजी लिख लें या पीसेस लिख लें, ग्राम लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ नंबर लिखूं और उसकी क्वांटिटी खुद ब खुद लिखी हुई आ जाए तो वो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं तो उसके लिए अगर आप पहले से जितना सेल्स के ऊपर आप काम करना चाहें, जैसे लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर आपको अरेंज करके दिखा दूँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे इन तमाम सेल्स पे काम करना है, मैंने इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ आपके पास आ रहा है फॉर्मेट सेल, आपने इस पे क्लिक करना है और आपके पास एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट सेल का, आपने कस्टम पे चले जाना है। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ टाइप, यहाँ लिखा हुआ जर्नल, आपने इसको रिप्लेस करना है और यहाँ आपने प्रेस करना है जीरो और डबल कोटेशन बनानी है। अब यहाँ कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, ग्राम, किलोग्राम, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ केजी, अगर आप क्वांटिटी लिखना चाहते हैं आप क्वांटिटी लिख लें, यहाँ मैं आपको केजी लिख के दिखाता हूँ और डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे और इसे हम ओके कर देंगे। अब जितनी रेंज हमने सेलेक्ट की थी, अब आप देखें यहाँ पर आप सिर्फ नंबर लिखेंगे, आपके पास केजी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा, 5 केजी, 8 केजी, 60 केजी। तो देखें ये कंडीशन आपको पहले से बना के लिस्टिंग से बना के रखनी पड़ेगी ताकि आपको ये बार बार चीज मेंशन ना करनी पड़े। तो देखें इस तरीके से अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो देखें अभी आपके पास जो प्रोडक्ट्स थी उनकी कॉस्ट है और उनका टोटल, अभी हमारे पास कोई भी बैलेंस मौजूद नहीं है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर मेरे पास 5 क्वांटिटी है बास्केटबॉल, तो देखें इनका टोटल कितना आ रहा है, यानी कि जो कॉस्ट है, यानी कि ये 1 बास्केटबॉल की कॉस्ट है 600। तो 5 क्वांटिटी हमने परचेज की, तो 5 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 30 से, यानी कि ये फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखें यहाँ पर आंसर आपके पास 30 आ रहा है। इसी तरह मैंने परचेज किया 5 क्वांटिटी, 5 5 25 100, मैंने यहाँ परचेज कर लिए 10 क्वांटिटीज और यहाँ मैंने मार्कअप परचेज कर लिए 4 क्वांटिटीज, वाटर बॉटल मैंने परचेज कर लिए 2 क्वांटिटीज। तो देखें अगर एक कॉस्ट आपके पास 100 है, आपने 2 परचेज किए तो उसका टोटल अमाउंट 200 आ रहा है आपके पास। इसी तरह अगर आपको टोटल क्वांटिटीज निकालनी है तो टोटल क्वांटिटीज सिंपल आपके पास यहाँ फॉर्मूला है सम का, जैसे यहाँ पर आपको मैं निकाल के दिखाया था, इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन करेंगे, आपने टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज की, आपने इन तमाम क्वांटिटीज को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया है 26 क्वांटिटीज मौजूद।
तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की क्लास जरूर समझ आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से अपडेट रहें। शुक्रिया।